Alif, Anar. लेकिन ये भाई साहब की ड्राइंग बहुत अच्छी है। अनार, अलफ से अनार, अनार। अच्छा, अलिफ के बाद अलिफ मद आ। ये जो अलिफ के ऊपर है ना बराई, इसको मद कहते हैं। तो अलिफ मद आ आम, जैसे आदमी लिखते हैं आदमी आदमी, तो अलमद आ आदमी है ना। और इसी तरह से ये है आम, अब अलमद आम। ये अलग से हर्फ नहीं है मतलब अल्फाबेट में, लेकिन इसको शामिल कर लेते हैं। जिस तरह से आखिर में हमजा आएगा तो हमजा भी जो है वो नहीं है, लेकिन ये इसको हरूफ तरजी का हिस्सा तो नहीं है। अलवदा के बाद आ गया अलिफ के बाद बे, बे से बकरी और बे से बैल। बे से बकरी। बे के बाद क्या आता है? पे। पे से पतंग। और क्या होता है पे से? पानी। पानी। पे पतंग। रंग भाई साहब बहुत अच्छा भरते हैं और ड्राइंग भी इनकी अच्छी है। इससे सीख भी सकते हैं ऐसे ही रंग भरना, पतंग बनाना, पतंग बनाना, पतंग उड़ाना। बे पतंग। और पे के बाद ते। ते। ते से तितली। तितली। ते से तितली। ते के बाद टे। टे टमाटर। टमाटर, आपने पहचान लिया कि ये टमाटर बनाया जा रहा है। टे से टमाटर। वाह जी वाह। बहुत लाल टमाटर है। टमाटर लाल ही होते हैं अगर पके हुए हों। हाँ, पहले कच्चे हरे होते हैं जैसे ऊपर पत्ते हैं, फिर पक जाते हैं तो लाल हो जाते हैं। टे के बाद से। से से समर। समर कहते फ्रूट्स को, एक से जायद फल पड़े हो, फल
उसको समर कहते हैं। हाँ, उसे समर कहते हैं। ये अंग्रेजी मौसम वाला समर नहीं है। और ये जो है ना समर, सबर का फल मीठा होता है, तो ये सबर का फल जो है वो जो समर ही है, सबर और समर। अब आ गया जीम। जीम से जहाज। जीम से और क्या होता है? जूता। जीम से जहाज, जीम से जूता। जहाज में मुसाफिर। बाय बाय जहाज। के बाद चे। चे चुआ। चे से चूहा। और क्या हो सकता था चे से? चिराग। चिराग, चम्मच, चांद, चांदी। तो इन्होंने इतनी प्यारी चीजें छोड़ के चूहा क्यों बनाना? चूहा कल में बच्चे जो है चूहे के पीछे भागेंगे। हाँ। हे, हे से हाथी। ये हे वो नहीं है। हे से हलवाई। हलवाई। हे से हजाम। अच्छा, ये जो है ये हजाम है। अच्छा, हजाम कहते हैं जो हेयर ड्रेसर होता है, जो के बाल काटता है। हजामत बनाने जाता है। हजामत बनाता है, उसको हजाम कहते हैं। ये है खे। खे, खे से खेमा। खरगोश। खे से खरगोश। खरगोश, इसके कान जो होते हैं ना गधे की तरह होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं खर गोश। गोश, गोश में ना कान, खर में ना गधा। कौन सी जबान में? फारसी। अच्छा, पर्शियन। अच्छा, खर गोश। गोश, कैसा प्यारा बना है। ये खे के बाद दाल। दरख्त। दरख्त, दाल। दरख्त। दरख्त, बड़ा घना दरख्त बन रहा है, बड़ा सा। सरसब्ज। दाल। दाल। दाल दरख्त। दाल। दाल। दाल कौन सी? खाने वाली? खाने वाली। दाल दवात। दवा, दवाई। दवाई। दुम। बाय बाय दरख्त। दरख्त। दाल के बाद डाल। डाल। दाल के बाद डाल। डाल। डाल से डब्बा। डाल से डब्बे में डाल।
डब्बे में डाल। डब्बा, ये वो पैकिंग वाला डब्बा नहीं होता, ये खाकी कागज रंग का बना। हाँ जी, हाँ जी। डाल, डाल, फिर जाल, जाल से जखीरा, जखीरा, जखीरा कहते हैं किसी भी चीज की ज्यादा एक ही जगह पड़े होने को, वीट उसकी जो है बोरियां पड़ी हैं गंदम की, तो गंदम की बोरियां, आलू की बोरियां भी हो सकती हैं, किसी भी चीज की बोरियां, किसी को जखीरा अंदोजी कहते हैं, किसी भी चीज की चीजें ज्यादा एक जगह पड़ी हो, जखीरा। हाँ, दरख्त भी एक जगह ज्यादा लगे हुए हो ना, उसे भी जखीरा कहते हैं। अच्छा, और ये है बोरियां पड़ी हुई जखीरा, गंदम की, चीनी की, रे, रेलवे, रेल, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ट्रेन, ये बहुत प्यारी ट्रेन है, रेल, रे से रेलगाड़ी, रेल, रे से रेल, अड़े। अच्छा, अड़े जो है ये इससे उस लफ्ज कोई नहीं बनता, यानी शुरू में किसी लफ्ज के भी अड़े नहीं आती, तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ फिर पहाड़, पहाड़ का आखिरी जो हर्फ है वो अड़े है, तो इससे समझ में आ जाए ताकि ये अड़े होती है और ये पहाड़ में इस्तेमाल होती है, उसके आखिरी लफ्ज जो है उसका हर्फ जो है वो है पहाड़ से रे, पहाड़ है लफ्ज, रे है हर्फ, तो आखिरी हर्फ इसका क्या हुआ, रे, तो रे से पहाड़ नहीं होता, लेकिन कोई भी लफ्ज नहीं होता, तो इसलिए समझाने के लिए रे पहाड़, रे के बाद क्या आ गया, जे, जे से जमीन, 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 जे से जमीन, लैंड लिखा हुआ है ऊपर ताकि भाई ये लैंड है, जगह, जमीन, ये है ये, तीन जाला बारी, तीन नुक्ते होते हैं ऊपर, ये याला बारी, याला बारी कहते हैं स्नोइंग को, बर्फबारी, बर्फबारी, याला बारी, याला बारी, इसके बाद आ गया सीन, सीन से सांप, सीन से समंदर, समंदर, सीन से सीढ़ी, सीढ़ी, यस, सीन सांप,
सीन के बाद क्या हुआ? शीन। शीन से शेर। शेर। शीन शेर। जंगल का बादशाह। जंगल का बादशाह शेर। स्वाद। स्वाद से संदूक। स्वाद से संदूक। स्वाद संदूक ये भी एक किस्म का बॉक्स ही होता है, डब्बा, लेकिन ये लोहे का, मेटल का बना होता है, उसको कहते हैं संदूक। स्वाद के बाद ज्वाद। ज्वाद से ज़ईफ। ज़ईफ ज़ईफ बूढ़ा आदमी। ज़ईफ आदमी हो, औरत हो, ज़ईफ ज़ईफ इंसान। हाँ ज़ईफ दादाजी। हाँ ज़ईफ दादी अम्मा। ज़ुआद ज़ईफ। ज़ुआद के बाद तोए। तोए से तोता। तोता पैर। तोए तोता। तोता क्या आपने भी अपने घर में तोते रखे हुए हैं? मैंने तो रखे हुए हैं। क्या आपने भी? ये इश्तिहार था तोते। तोता तोता प्यारा होता है। तोता खाता क्या है? तोता हरी मिर्च खाता है। ज़ोए। ज़ोए जोए से होते हैं ज़रूफ। ज़रूफ ज़रूफ कहते हैं बर्तनों को, जो खाने पीने के, डिनर सेट, टी सेट। तो ज़रूफ ज़रूफ बर्तन। एन। एन से एनक। एनक अगर कान ना होते तो हम एनक कहाँ लगाते? नाक पे। अच्छा अच्छा एनक। एन से एनक।
ऐन के बाद गैन, गैन से गुबारे, गुबारा, और ये बना रहा है गुबारे। गैन से गुबारे या गैन से गुबारा, ज्यादा हो तो गुबारे, एक हो तो गुबारा, एक हो तो गुबारा। गैन से गुबारा और गुबारे, और गुबारे। फे, फे से फवारा, फे से फवारा। फे के बाद काफ, और ये क्या बना रहा है? कालीन, कालीन, कारपेट। और क्या होता है काफ से? कुरान, कलम, कलम। दूसरा काफ हो गया, अब ये आ गया कफ, काफ। दो काफ क्यों होते हैं? ताकि पढ़ने में पता लगे सही, काफ और काफ। किताब वाला काफ, हाँ। अभी उसने कुत्ता लिखा है, वैसे देखो काफ से कुत्ता, काफ से कुत्ता भी होता है ना, तो काफ से कुत्ताब, कताब। हाँ, कताब भी होती है, और इसको काफ कुत्ते वाला भी कहते हैं, लेकिन होता है काफ कश वाला, कश ऊपर लगाने, और वो होता है काफ कैंची वाला, नुक्ते वाला। तो वो जो है उस काफ से कैंची भी होती है, इस काफ से किताब। गाफ, गाय, गाय, गाय बना रहा है, और ये गाफ बभी लिखेगा गाफ, गाय। गाफ गाय, गाय दूध देती है जी, गाय दूध देती है। लाम, लाम से लोटा, लोटा। लाम से लोटा। मीम, मीम से मेंढक, मेंढक।
मछली, मछली, मामू, मोर, मोर। ये बना रहा मीम से मछली। मछली। मीम के बाद नून। नून, नून से नारियल। नारियल, नारियल को क्या कहते हैं? कोकोनट। कोकोनट, नारियल, नाम, नमकीन, नमक, नारंगी। हमारे जमाने में होती थी नून से नारंगी। नारंगी। अब तो किसी अब को किसी पता ने ही नहीं। देखा ही नहीं हाँ, नारंगी का, तो इसलिए वो नारंगी, चीज लगाई जो कि पता है, नारियल देखा है सबने। नून नारियल। वाओ। वाह, वतन, वाह, वर्का। वर्क। वर्क का भी कह सकते हैं आप, लेकिन एक जो वर्क होता है, एक वर्क किताब में वर्क, सर्फ होते हैं, पेज जिसको कहते हैं हम, पेजेस होते हैं, तो एक जो होता है उसे वर्क कहते हैं और एक को पेज कहते हैं। वाओ वर्क। वर्क। ये दरमियान में जो एक है ये है वर्क। और बाकी सात, दो, चार मिला के वर्क के। और आग। और आग। हाँ हाथी, तो हथी किससे बनता है? हे, हे, छोटी हे जो होती है उसे हे से हाथी, छोटी हे से हाथी। हाथी, ये शोशे वाली है। इसको हम में इस्तेमाल होती है, हम, हे हाथी, हे हम। और ए से हाथी, हे से हमारा, ए से हमारा हाथी। छोटी ये से क्या बन रहा है? ओ रूबी, याकूत। अच्छा ये छोटी ये जो होती है ना, किसी भी लफ्ज के शुरू में आती है, आखिर में भी आती है, जैसे हाथी के आखिर में थी। याकूत डायमंड नहीं होता? हाँ डायमंड तो सब डायमंड होते हैं ना, लेकिन डायमंड के नाम होते हैं, तो ये ऐसा डायमंड है जिसको रूबी कहते हैं। अच्छा, हाँ तो इसकी किस्म में जो होती है ना, बोला वो ऐसे, हाँ याकूत कोई होता याकू है। रूबी है, कोई अकीक है, कोई कुछ है, कोई कुछ। ओके, ये याकूत, इंग्लिश में इसको रूबी कहते हैं। बड़ी ये से, अच्छा बड़ी ये लफ्जों के आखिर में आती है, शुरू में जो होती है वो छोटी ये होती है, आखिर में आखिर बड़ी। में जैसे गाय, तो गाय के आखिर में बड़ी ये होती है। और ये साथ हमजा भी इसलिए लगा दिया कि पता चले कि जो गाय जब लिखते हैं तो ऊपर एक हमजा भी होता है, वो कहता था कि गाए गाए गाना गाए, है ना, ये गाए वहां गाना गाए वाला भी गाए है, और ये गाय जो है उसके भी उधर जो है लफ्ज़ ये लिखा होता है हमजा। ये थे उर्दू के हरूफ तहजी, अल्फाबेट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो सारी जितनी भी उर्दू है वो इसी से बनती है,
अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो आपको फिर लफ्ज बनाने, हर्फ बनाने, जुमले बनाने आ जाते हैं बहुत जल्दी और आसानी से। उर्दू हमारी पाकिस्तान की कौमी जुबान है, दुनिया भर में ये बोली समझी जाती है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो अलफ़बे से शुरू करें। हर काम का आगाज़ अलफ़बे से ही होता है। जो पहले किसी की भी अल्फ़ाबेट होते हैं ABC से ही होता है, तो किसी भी चीज़ की ABC वही उसकी मंजिल बना देती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू पाको TV।